बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदलना, तेरी किस्मत भी कभी बदल सकती है। वेलकम टू दी वीजा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं ईआर रजनीश कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी वीजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। दोस्तों आज मैं फिर आप लोग के लिए एक बड़ी अपडेट लेके आया हूं, क्योंकि दोस्तों कल के डेट में हम लोगों ने देखा था कि बिहार का बहुत सारे स्टेट का रिजल्ट दोस्तों आ गया है। बिहार का, यूपी का, आपका उड़ीसा का भी रिजल्ट आ गया है, एमपी का भी रिजल्ट आ गया है, झारखंड का भी दोस्तों रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक एक करके सारे स्टेटों का रिजल्ट देख बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने सुबह सुबह जब साइट को ओपन किया था तो दोस्तों सुबह तो ओपन हो रहा था, लेकिन उसके बाद दोस्तों ओपन नहीं हुआ था। तो मैंने क्या किया था, जो जिन जिन बच्चों ने मुझे कमेंट करके अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे सेंड किया था, मैं उन सारे बच्चों का रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने चेक करके उनका रिजल्ट देखा है। तो आप लोग के सामने उन सारे बच्चों का मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, चाहे जो बच्चे अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं शायद उन्हीं में से किसी का है तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले नाम है सुकेश कुमार पंडित है। दोस्तों ये देखिए सेशन दोस्तों 18 वाला है, और दोस्तों ये सेंट्रल प्राइवेट आईटीआई जो बिहार में है, ये बिहार से है दोस्तों। और इनका देखिए दोस्तों 700 में से नंबर आया हुआ है 534 नंबर। दोस्तों इनका जो स्टेटस है दोस्तों ये पास है, यानी दोस्तों जो ये मार्कशीट आप लोगों को नजर आ रही है दोस्तों ये सेंट्रल प्राइवेट आईटीआई जो कि बिहार में ही है, बसंतपुर में है दोस्तों, बसंतपुर डिस्ट्रिक्ट सिवान में पड़ता है दोस्तों ये दोस्तों इनका मैंने चेक किया था सुबह, तो दोस्तों इनका जो स्टेटस था दिखा रहा था ये 534 ये पास थे। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट आप लोग को दिखाता हूँ, ये है आपका शुभम कुमार मिश्रा जो नेक्स्ट है दोस्तों, इनका नाम है शुभम कुमार मिश्रा। और दोस्तों इन्होंने भी मेरे को कमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताया था, शायद ये शुभम कुमार मिश्रा किसी और स्टेट के हैं मेरे ख्याल। लेकिन देखिए दोस्तों जो इनके आईटीआई का नाम है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये शुभम कुमार मिश्रा आप लोग नाम देख ही रहे होंगे, और यहाँ देखिए टोटल नंबर दिखा रहा है 700, और दोस्तों ये 700 में से लेके आए हुए हैं आपका 478 नंबर, यानी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इनका भी जो स्टेटस है दोस्तों ये क्या है, पास है। दोस्तों इनका स्टेट शायद मेरे को अभी पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कमेंट करके बस अपना नाम ही और रोल नंबर मेरे को सेंड किया था, इस वजह से दोस्तों मैं इनका स्टेट नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं निरंजन नैन है दोस्तों, निरंजन नैन दोस्तों ये दोस्त ने मेरे को भी कमेंट करके बताया था, आप लोग मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया है। दोस्तों देखिए निरंजन सैन नाम है इनका, और दोस्तों इनका जो आईटीआई का नाम है वो है माँ हिंगुला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। और दोस्तों जो इनका स्टेटस है 601 नंबर लेके आए हैं 700 में, यानी दोस्तों इनका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आया हुआ है। जिस बच्चे का भी है आप लोग देख सकते हैं भाई, क्योंकि जो बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया था मैं उन्हीं का देख रहा हूं, क्योंकि और किसी का तो मेरे पास है नहीं रोल नंबर, इस वजह से मैं उन लोगों का नहीं चेक कर पाया था। जिन बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया था मैं स्पेशल उन्हीं बच्चों का चेक करके बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए एक है प्रिंस कुशवाहा, क्योंकि दोस्तों इनका मेरे को स्टेट पता है दोस्तों ये महाराष्ट्र एमपी से है दोस्तों, उदान प्राइवेट आईटीआई एमपी, क्योंकि इनके एक फ्रेंड का मैंने आप चेक किया था तो उन्हीं से रिलेटेड दोस्तों इनका भी था मेरा। ये देखिए पवन कुशवाहा लिखा हुआ है दोस्तों, और इनका जो एलिजिबिलिटी ये जो था उदान आईटीआई से दोस्तों ये थोड़ा फेल हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनका 7 नंबर ही दिखा रहा है, यानी दोस्तों जो ईडी का एग्जाम हुआ था, इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें ये क्या है फेल हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है भगवान का देख रहा हूं मैं, एक चेक करके बता रहा हूं देखो, क्योंकि मैंने सुबह चेक किया था, भगवान दास है, और दोस्तों देखिए ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, आप लोग यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है गवर्नमेंट आईटीआई बिलासपुर, जो बिलासपुर है दोस्तों उड़ीसा में है। और दोस्तों इनका भी 546 नंबर आया हुआ है 700 में से, और दोस्तों इनका भी जो रिजल्ट है पास है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये कहां से हैं, ये बिलासपुर से हैं यानी उड़ीसा से हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि सारे स्टेटों का रिजल्ट आ चुका है, तो मैंने आप लोगों को एमपी का दिखा दिया, बिहार का दिखा दिया, झारखंड का दिखा दिया है, और दोस्तों ये बिलासपुर के हैं। शायद मेरे ख्याल ये जो शुभन मिश्रा है दोस्तों ये यूपी से है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपना स्टेट मेरे को कंफर्म नहीं किया था। उसके बाद दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको सागर मांझी,
दोस्तों ये भी उड़ान प्राइवेट आईटी है, इसके पहले जो मैंने देखा आपको बताया, यानी दोस्तों ये भी क्या है एमपी से ही है। और दोस्तों नंबर 543 नंबर दोस्तों आया हुआ है 700 में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यह है विक्रम कुर्मी। दोस्तों ये विक्रम कुर्मी है और ये पता नहीं यहाँ का इनका दिखा नहीं रहा स्टेट कौन से स्टेट के हैं, लेकिन दोस्तों शायद ये इन्होंने भी मेरे को कमेंट करके बताया है। दोस्तों इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो जिन बच्चों ने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया मैं तो उनको सेंड कर ही देता हूँ, क्योंकि मैं उनको व्हाट्सएप नंबर पे ही मैं सेंड कर देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों इनका है और ये 700 में से दोस्तों 420 नंबर लेके आए हैं। दोस्तों ये भी क्या है पास है। और ये देखिए इनका जो आईटीआई का नाम है वो है गवर्नमेंट असिस्टेंट इंस्टीट्यूट सागर, पता नहीं कोई कोई स्टेट के हैं ये दोस्तों। तो जिन बच्चों ने मेरे को कमेंट करके अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताया था, रोल नंबर बताया था, दोस्तों मैं उन सारे बच्चों का चेक करके बता दिया हूँ। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों का भी रिजल्ट देखूँ, तो आप लोग भी दोस्तों मुझे कमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने स्टेट का नाम लिख के जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को रिजल्ट देखने में दिक्कत हो रही हो तो दोस्तों मैं आप लोगों का आपका रिजल्ट बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक दोस्तों।